चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताते हैं कि MCB, MCCB, RCCB, ELCB, MPCB क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है MCB। MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB का मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो इस तरह से हमारे ये हो गया हमारा MCB, MCCB, RCCB, ELCB, MPCB, ये इस टाइप से है अपने। तो वह इसका वर्किंग, चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, पूरा शॉर्टकट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपका कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं MCB। MCB क्या होता है, यहाँ पर से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो MCB है क्या, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सब हमारा प्रोटेक्शन का सबसे छोटा रूप होता है MCB। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे अगला। तो ये क्या करता है, MCB हमारा इस टाइप से रहता है, हमारा तीन पोल का है, यहाँ पर तीन है। तो ये हो गया न्यूट्रल RYB और ये हो गया न्यूट्रल, इसी तरह ऊपर होता है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं इस तीन पॉइंट में RYB करके हम सप्लाई देते हैं। तो हमको आउटपुट क्या देता है, जैसे MCB नीचे होगा तो ये कट हो जाएगा, ऊपर रहेगा तो हमारे कोई भी शॉर्ट कंडीशन में, जैसे हमारा ये क्या करता है MCB, मशीन सेफ्टी प्रोटेक्शन करता है। पहला काम रहता है मशीन सेफ्टी प्रोटेक्शन, दूसरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तीसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। मशीन सेफ्टी मतलब इससे हम जैसे अपने मोटर या कोई भी मशीन को कनेक्ट करेंगे और कुछ भी होता है इसमें से, जैसे शॉर्ट सर्किट या तो वोल्टेज बढ़ना या तो इस टाइप से, तो ये क्या होता है हमको उससे प्रोटेक्शन करता है। ये MCB नीचे ट्रिप कर देता है और जिससे हमको उस जो हानि होने वाले हानि को रोक देता है। इसका रेंज होता है MCB का 63 एम्पियर से नीचे तक का रहता है, आपका 63 एम्पियर से नीचे तक का। फिर 63 एम्पियर से अगला को हमारा सर्किट ब्रेकर चालू हो जाता है। तो नेक्स्ट हमें देखेंगे जो हमारा 63 एम्पियर तक का MCB यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000, यहाँ कितना लिखा है, 10000 लिखा है, यहाँ पर देखिए ये 10000 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा MCB है, ये मान लो जाए फॉल्ट हो गया, दो सप्लाई आपस में चिपक गया, तो क्या हजारों वोल्ट करंट हो जाता है, सडनली करंट इतना बढ़ जाता है, तो उतना क्षमता सहन कर सकता है, 10000 एम्पियर तक करंट सहन कर सकता है। लेकिन हमारा ये कितने एम्पियर का है, ये यहाँ पर है वही हमारा एम्पियर रहता है, यहाँ पर सी 32 है। इसका मतलब क्या है, सी क्या हो गया, उसका टाइप हो गया, क्लास हो गया, ABC इस टाइप से क्लास होता है, और 32 हमारा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो हमारा एक्चुअल एम्पियर यही है, सी जो रहेगा उसके बाद जो लिखा रहेगा वो हमारा हो गया एम्पियर, और जो नीचे रहेगा वो हमारा क्षमता, सपोज इतना टेम्परेचर इतना करंट को सहन कर सकता है, सपोज अगर अचानक से सडनली बढ़ गया तो ये चलेगा नहीं, इस टाइप से है ये। और ये हमारा एम्पियर कितना तक ट्रिप कर सकता, 32 से जैसे ज़्यादा होता है तो हमारा ये क्या ट्रिप कर देगा, तुरंत ट्रिप कर देगा, कि इसको ज़्यादा सेंस हो गया तो ज़्यादा करंट हो गया तो तुरंत ट्रिप कर देगा, जिससे हमारा जो भी वस्तु है वो मशीन है जो भी वो इससे बच जाएगा। तो ये हो गया MCB। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम MCB के बाद हम यहाँ पर MCCB, ठीक है। MCCB क्या होता है, चलिए देखें, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, सेम ये भी है MCB का अगला रूप है ये। ये क्या होता है, ये भी सेम मशीन प्रोटेक्शन होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, ओवरलोड करंट होता है उससे रेंज बचाता है हमको। और इसका रेंज कितना रहता है, ये 100 एम्पियर से, जो वो तो 63 एम्पियर तक हो गया, अब ये क्या हो गया MCCB 100 एम्पियर से चालू होके 1000 एम्पियर तक हमको 1000 एम्पियर तक करेंट देता है। तो ये हो गया MCCB मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है 100 एम्पियर करंट लेगा या उससे ज़्यादा, तो हम ये MCCB लगाएंगे, वहाँ पर MCB नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये भी जैसे ओवरलोड हो जाता है या तो फिर दो शॉर्ट हो जाता है सर्किट, शॉर्ट सर्किट या तो कुछ और प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर हमको यहाँ ट्रिप करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 100 एम्पियर करके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 एम्पियर करके। तो इस तरह से इसका काम है, इसको हम सेट कर सकते हैं, इसमें क्या है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 100 इससे नीचे का भी दिया है बट हम यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं 100 तक। तो ये हो गया आपका MCCB। MCCB के बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, RCCB, सबसे बहुत ही ज़बरदस्त है RCCB, रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। अब इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ, RCCB क्या होता है हमारा, जितने इधर दो हम देखें MCB और MCCB, ये क्या करता है,
हमारा जो मशीन है ये है, तो ये सबको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन आरसीसीबी क्या होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और हम उससे टच में आ गए तो हमको ये क्या कर देगा, आरसीसीबी हमको बचाएगा, बट एमसीबी वहाँ हमको नहीं बचा पाएगा, हमको ट्रिप नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वहाँ अलग है यहाँ पर अलग है। ये आरसीसीबी क्या होता है, रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। अब मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे हमारे पास तीन पोल का है, ये देखिए तीन पोल है, आर वाई बी न्यूट्रल, ठीक है, ये हो गया। ये कैसे हमको, अब देखिए हमारे पास सप्लाई आया, तीन सप्लाई आया, ठीक है, इसमें 220 वोल्ट हुआ। सपोज अब क्या होगा, एमसीबी में या इस तरह से एमसीबी में लग के इधर जाएगा और ये सर्किट हमको क्लोज करता है, ठीक है। अब 220 यहाँ पर से एमसीबी आरसीसीबी से गया, आरसीसीबी से, तो अब यहाँ पर 220 वोल्टेज है, तो इसमें एक एक्चुअल करंट होगा, एक कुछ करंट होगा। तो ये करंट और ये करंट अगर जैसे भी हम यहाँ पर टच करते हैं, यहाँ पर हम टच कर लेते हैं, तो इसमें से कुछ करंट हमारे शरीर में आ जाता है। मान लीजिए माइनस, ये होता है 10^-3, मतलब 10 mA तक का करंट को ये सेंस कर सकता है, मतलब माइनस है, बहुत ही कम, जीरो से भी कम हमारे शरीर में। अगर यहाँ से हम कहीं काम कर रहे हैं और हमारे शरीर में आके ऐसे आ जाता है, तो ये क्या करेगा, इसका ये तीनों का बैलेंसिंग को मिलाएगा। इधर से हम इतना करंट दे रहे हैं, यहाँ से सेंस होकर जा रहा है, बट यहाँ पर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मान लीजिए यहाँ एक एम्पियर मिल रहा है, यहाँ पर 1.009 एम्पियर भी मिलेगा, तो ये तुरंत ट्रिप कर देगा। मतलब उनको समझ आ गया कि यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं कुछ वो अपना प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आया है, फॉल्ट आया है, तो वो तुरंत ट्रिप कर देगा, सेंस कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आरसीसीबी, मेरे ख्याल से तो हर घर में आरसीसीबी लगाना ही चाहिए, ताकि अगर कोई छोटे बच्चे कुछ कर लिए या तो कहीं कील विल डाल देते हैं बोर्ड में, तो वहाँ पर से ये हमारा सेफ्टी पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिपाई पुताई करते समय आपके कोई वायर को अगर छू लेते हैं, तो वहाँ पर ये तुरंत ट्रिप कर देगा, आप एकदम 100% सिक्योर हो जाएंगे। ये क्या करता है, पर्सनली सेफ्टी देता है, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर कुछ शॉक वॉक हो गया तो तुरंत ट्रिप कर देगा, बाकी नहीं करेगा। तो ये तो घर के लिए बेस्ट है, तो ऑलवेज यूज़ आफ्टर एमसीबी। अब क्या होता है, हम घर में आरसीसीबी बस तो नहीं लगाएंगे, आरसीसीबी का एक डिसएडवांटेज ये है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ट्रिप हो जाता है। जैसे आप क्या करेंगे, आरसीसीबी लगाए हैं और सपोज़ कोई चूहा है आपका वायर को कहीं टच कर रहा है, काट रहा है, तो वहाँ भी वो तुरंत ट्रिप कर देगा। तो ये है, लेकिन हर घर में ये होना ही चाहिए, हमको सेफ्टी पर्पज से देखना है। तो ऑलवेज यूज़ एमसीबी, रेंज बिलो 63 एम्पियर। अब क्या है, हम एक एमसीबी लगा लिए, एमसीबी के बाद हम आरसीसीबी लगाना चाहिए, हमको एमसीसीबी के बाद आरसीसीबी लगाना चाहिए, सॉरी एमसीबी के बाद आरसीसीबी लगाना चाहिए घर में। तब जाके क्या होगा हमारा, सपोज़ यहाँ कुछ काम करेंगे तो ये ट्रिप होगा, उसके बाद ये ट्रिप होगा, तो हमारे इधर का सप्लाई रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर से आरसीसीबी ही लगाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आरसीसीबी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम देखते हैं, हम यहाँ पर से ELCB, जो काम आरसीसीबी का है सेम एज इट इज़ काम ELCB का है। इसका काम क्या है, अर्थ लीकेज, यहाँ पर दिया हो अर्थ लीकेज, जहाँ भी थोड़ा भी लीकेज हो जाएगा तो यहाँ भी वही है। अब क्या है ना, ELCB बंद हो गया, उसके जगह एडवांस बना दिया RCCB। तो इसका पहले अच्छा यूज़ होता था, लेकिन अभी ये बंद कर दिया, तो उसके जगह एडवांस करके RCCB को ला दी। इसमें भी अर्थ लीकेज कैसे कैसे, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, इसको हम लोग वेल्डिंग मशीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको वेल्डिंग मशीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे भी लीकेज हुआ तो ये तुरंत फॉल्ट कर देगा। जैसे को हम काम कर रहे हैं और हमारे शरीर से लीकेज होके अर्थ जाएगा, तो ये तुरंत फॉल्ट वो ट्रिप कर देगा। यहाँ पर टेस्ट करके रहता है, इसको टेस्ट करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मेन ELCB का ये भी काम है, ये वेल्डिंग मशीन में इस टाइप से काम, जहाँ हम रिस्की काम कर रहे हैं वहाँ पर से अर्थ जो ली आपके बॉडी से होके, जैसे हम काम कर रहे हैं इसको टच कर लिए, इसमें टच किए तो क्या है, ये हमारे बॉडी से आके अर्थ में चले गया, तो वहाँ तुरंत ट्रिप कर देगा। एज इट इज़ यही है। सेंस कैसे करता है, इसका काम वर्किंग बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ से कुछ वोल्टेज दिए, वोल्टेज देने के बाद हम कुछ इसमें जो करेंट है वही करेंट यहाँ पर भी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या होता है, जब हम यहाँ टच कर लेते हैं तो इसमें से करेंट हमारे बॉडी में आ जाता है, कुछ करेंट 0.1 mA मतलब कुछ भी, बहुत ही छोटा मात्रा में, तो वो हमारे शरीर से आके अर्थ में चले जाता है, जिससे हम ये ट्रिप कर जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ
ये तो हो गया ELCB। अब लास्ट है ये MPCB। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये खाली मोट कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों या सब इस जगह हो यूज़ होता है। तो MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, नाम से ही है, यहाँ पर मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसमें सारे चीज़ एक साथ रहेगा, जैसे आपका MCB भी इसी में रहेगा, RCCB भी यहीं रहेगा, ओवरलोड का भी रहेगा। जैसे हम मोटर चला रहे हैं, सपोज़ मोटर चला रहे हैं और हमारा इधर से एक फेज़ कहीं बीच में कट हो जाता है, दो ही फेज़ मिल रहा है, तो वहाँ पर भी ये ट्रिप कर देगा क्योंकि अनबैलेंस हो जाएगा। इससे हम अगर एक फेज़ चले गया तो हमारा मोटर कभी कभी क्या है, दो फेज़ में भी चल जाता है। तो क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और वहाँ पर मोटर का वाइंडिंग जलने का कारण हो सकता है। तो वहाँ पर यहाँ पर वो भी रहता है, अगर दो फेस में तीन फेस में एक फेस कहीं प्रॉब्लम में आ गया तो वो तुरंत ट्रिप कर देगा। दूसरा, यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये एक रेंज में रहता है, 2 से 10 बोल दिया तो इसके बीच में आप रेंज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज रहता है, ये देखिए इस टाइप से रेंज। और इसमें क्या रहता है, ओवरलोड रिले रहता है, ओवरलोड रिले, बाकी सारे चीज़ें इसमें आ जाता है। तो ये स्पेशली मोटर के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर मोटर प्रोटेक्शन के लिए MPCB यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।